एमपी है नवनीत राणा, उनका कहना है कि पुलिस ने ट्राई किया है कि जो भी उसका सच था उसको रॉबरी केस बता के उसको छुपाने की कोशिश की। देखिए, आपके प्रश्न के दो पहलू, एनआईए को दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईए जांच करे, उदयपुर की जांच करे, अमरावती की जांच करे, और जांच इस बात की भी करे कि 8-9 वर्षों में इस देश की फिजा में इतना जहर कहां से घोला गया है कि आए दिन हिंसा हमारे समाज का हिस्सा हो चली। एक धर्मांधता दूसरे धर्मांधता को क्यों पोस रही है और उसके पीछे वजह क्या है, ये भी एनआईए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। रही बात एमपी साहिबा की, तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा, क्या वो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है? हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं ना, हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या है। उससे पहले अगर आउट ऑफ टर्न हम बोलते हैं ना, तो पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा प्रबल दिखता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जी सर, और अब महाराष्ट्र में जो है असेंबली टेस्ट होना है आज, उसमें स्पीकर का भी इलेक्शन होगा, जो फोकस रहेगा फ्लोर टेस्ट पे रहेगा। देखिए, बहुत सारी विसंगतियां रही हैं महाराष्ट्र को लेकर के। गवर्नर साहब स्पीकर की जब एमबीए गवर्नमेंट बात करती थी तो टालते थे कि मैटर सब ज्यूटिस, अब क्या हो गया। इससे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि ये पूरी स्क्रिप्ट बड़ी केयरफुली प्लान हुई है दिल्ली में बैठ करके, जिसमें शरीके गुनाह कई ऐसे चेहरे हैं जो जिनसे उम्मीद थी कि वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाएंगे। तो जाहिर है आज जो भी नतीजा निकले, लेकिन इतना तो तय है कि लोकतंत्र के लिए ये अस्वस्थ कर देने वाला क्षण है, बीमार कर देने वाला क्षण है। आज भाजपा को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन रथ का पहिया जब घूमता है ना, तो कल को उनकी राजनीति भी इस जद में आ जाएगी। जी सर, साथ ही नुपुर शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस भेजा जाए, क्योंकि उनको कोलकाता में अपियर होना था बट वो नहीं गई हैं, तो अब उनके लिए लुकआउट नोटिस। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, कोलकाता में उनके लिए लुकआउट हो, अगरतला में हो, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस बात को हम सब स्वीकारें कि नुपुर शर्मा वो एक सिम्टम है, रोग कहीं और है। एक शाख को पर निशाना साध करके वो जो जहर का पूरा पेड़ है वो कहां से आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस देश में दो समुदायों के लोग के बीच में सीधा संवाद नहीं हो सकता, क्यों ऐसा हो रहा है कि 75वें वर्ष में आजादी के हम उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, जो चीजें सन 47 में भी हमने नहीं देखी। ये मैं समझता हूं, इसमें मैं पक्ष प्रतिपक्ष के हिसाब से नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी गौर करें कि दुनिया में हमारी क्या छवि हो रही है, और वो सीधे तौर पर अगर एक निर्देश देंगे साफ साफ शब्दों में, डॉग विसिल पॉलिटिक्स वाला नहीं, तो फर्क पड़ेगा। तेलंगाना के सीएम जो है वो ना तो पीएम मोदी को रिसीव करने गए, ना ही उनसे मिले, और उसके बाद ये भी बोला कि आई डेयर पीएम मोदी एंड हिज पार्टी टू टॉपल माय गवर्नमेंट। देखिए, मैं अगर एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर बोलूं, तो हमारा मानना है कि कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जिनको निभाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव तक सब कुछ होता है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि 8-9 वर्षों में सहकारी संघवाद के नाम पर एक अहंकारी गुरूर से भरे संघवाद का जन्म हुआ है। माय वे और हाईवे, राज्यों की भूमिका को आप लगातार कमतर करते जा रहे हैं, सरकारों को गिराने की कोशिश होती है, जहां आपके विधायक एक होते हैं वहां भी आप सरकार बनाते हैं, तो उसका असर संघ राज्य संबंध पे पड़ता है, उसका असर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के रिश्तों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका व्यवहार, उनका कद उसी रूप में व्यवहार दिखना चाहिए कि वो सबके लिए प्रधानमंत्री हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो राज्य जहां विपक्ष की सरकार है उसको लेकर के नजरिया दूसरा होता है? ये जब ये कोर्स करेक्शन हो जाएगा ना, तो संभवतः हम वो छवियां नहीं देखेंगे जो बीते दिनों हमने हैदराबाद में देखी। खूब करें, हर देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, खूब करें, बस मैं इतना जरूर कहूंगा बेनिफिशियरी पे काम करें, बेरोजगारी पर चुप रह जाते हैं, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। जब वो सड़क पे आते हैं आप लाठी बरसाते हो, वो सेना में भर्ती होना चाहते थे, देश की रक्षा के लिए जीवन समर्पित करना चाहते थे, आपने 4 साल का एक मस्टर रोल किस्म का एक स्कीम तैयार कर दिया। ये अपमान है युवाओं का, राष्ट्र की सुरक्षा का, और बेरोजगारी को लेकर के आपके खोखले रवैये का। हाँ, इस पर काम करें, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं, और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो जहर है ना फिजा में, माहौल में, वातावरण में,
उसकी काट के लिए कुछ करिए, अन्यथा 75वें वर्ष में हम सब एक साथ बैठ करके ऑबिचुरी लिखेंगे एक दूसरे की।